हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी मिस्सी रोटी घर पर कैसे बनाएं उसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिस्सी रोटी बनाने के लिए हमें एक कप बेसन लिया है, आधा कप गेहूँ का आटा, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच सौंफ, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। एक चम्मच खड़ा धनिया, इसे भी मैंने दरदरा पीस लिया है। एक प्याज, एक चम्मच कसूरी मेथी, 4 से 5 हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, लहसुन और अदरक, इन सबको मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम आटा लगाते हैं। अब हम इसमें बेसन, आटा, अजवाइन, धनिया, सौंफ, कसूरी मेथी, प्याज, अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे मिर्च ज़्यादा लगी तो मैंने इसे कम कर दिया है। धनिया की पत्ती, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच हल्दी, इससे कलर अच्छा आता है, नमक, इन सभी को हम पहले बिना पानी डाले अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि इसमें प्याज और नमक पड़ा हुआ है तो प्याज पानी रिलीज करता है, इसलिए हम पहले इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी डाला है, आप इसमें रिफाइंड भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिलाकर हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छी तरह से गूँथेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं गूँथना है और ना ही ज़्यादा मुलायम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से गूँथ लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल के इसे आधे घंटे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। देखिए, आटा अच्छी तरह से हो गया है, ना बहुत ज़्यादा मुलायम है ना बहुत ज़्यादा कड़ा है। अब इसे हम आधा घंटा रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। क्योंकि इसमें प्याज था तो ये पानी रिलीज़ किया होगा, इसलिए इसे हम फिर से अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। अब हम इसकी लोइयां काटेंगे। उसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसकी लोइयां हमें बड़ी रखनी है, रोटी की लोइयों से इसकी लोई बड़ी होती है। अब हम पानी तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी में मैंने पानी लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालकर मिला लेंगे और इसे अलग रख लेंगे। अब हम रोटी बेलते हैं। मैंने लोई में हल्का सा परथन लगा लिया है जिससे रोटी चिपके नहीं। ये रोटी थोड़ी सी मोटी ही बेलेगी, इसे हमें बहुत पतला नहीं बेलना है। देखिए, रोटी बेल गई है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया की पत्ती लगा के हल्का सा बेल लेंगे। अब इसे मैंने अपने दूसरे हाथ में ले लिया है और जो नमक वाला पानी था उसे मैंने इस पर लगा दिया। तावे को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। घर पर तावा तंदूर जैसा तो नहीं गर्म हो पाता है, इसलिए हम इसके ऊपर नमक का पानी डालेंगे। नमक का पानी डालने से इसका टेम्परेचर तेज़ हो जाता है। अब हम इस पर मिस्सी रोटी डाल देंगे और इसे एक साइड से सेक कर तावे को पलट कर हम हल्की आंच पर करके धीरे धीरे रोटी को सेकेंगे, जिससे बेसन पक जाए। तेज़ आँच पर सेकने से बेसन कच्चा रह जाएगा। इसे हम घुमा घुमा कर अच्छी तरह से पकाएंगे। देखिए, रोटी कितनी अच्छी तरह से पक रही है। इसे हम हल्का हल्का घुमाएंगे और रोटी को अच्छी तरह से पका लेंगे, जिससे बेसन कच्चा ना रहे। देखिए, रोटी कितनी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसे चिमटे की मदद से निकालेंगे। देखिए, पीछे भी कितनी अच्छी तरह से सिक गई है और आगे भी कितनी अच्छी तरह से सिक गई है। अब हम रोटी के ऊपर मक्खन या घी लगा देंगे। इसे मैंने बीच से कट कर लिया है। देखिए, ये कितनी मुलायम हुई है और कितनी अच्छी तरह से सिकी हुई है, बिल्कुल तंदूर की तरह। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।